सो गाइज, इस तरह का लाइट बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट पे फोटो एडिटिंग आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को इसका एडिटिंग ट्यूटोरियल बता दूं। तो गाइज, आज के इस एडिटिंग वीडियो में हम आप लोग को सिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ स्नैपसीड ऐप के अंदर कुछ इस टाइप का लाइट बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम टाइम और बहुत ही कम प्रोसेस में। तो प्लीज आप लोग वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना, जरा सा भी मिस नहीं करना, क्योंकि आज हम आप लोग को स्टेप बाय स्टेप इस तरह का फोटो एडिटिंग बहुत ही आसान तरीका से सिखा दूंगा। और यदि आप लोग को एडिटिंग और वीडियो पसंद आती है, उसके बाद वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए, ज्यादा बात ना बनाते हुए चलते हैं आप लोग को अपने फोन के स्क्रीन पे। तो मेरे भाई, आप लोग एकदम अच्छे तरह से देखते रहिए और सुनते रहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो भी फोटो को एडिट करनी होगी सिंपली उस फोटो को गैलरी से ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद गैलरी में ही आप लोग को शेयर वाला एक ऑप्शन मिल जाता है ऊपर या फिर नीचे। तो वहां पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही इसको कहां सेंड करना होगा आप लोग को तो पता ही है, स्नैपसीड ऐप के अंदर। ठीक है, तो ये रहा स्नैपसीड, सिंपली हम इसको स्नैपसीड ऐप में शेयर कर देते हैं। और शेयर करने के बाद फाइनली यहाँ पे देख सकते हो एडिटिंग का भी सारा ऑप्शन आ चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे देख सकते हो फोटो कैसा है, अभी आप लोग ध्यान से देख लो, उसके बाद एडिटिंग के बाद कैसा होने आप लोग को तो पता ही है, थंबनेल में देख के अंदाजा लगा ही लिए होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन यानी टूल्स वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पे आप लोग को चले जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे चले जाएंगे और थोड़ा यहाँ पे ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे, जैसे कि +23 के राउंड इतना काम कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को सेचुरेशन को कर देना होगा -30 के राउंड। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हाईलाइट को हल्का प्लस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे +33 और इससे ज्यादा नहीं रखिएगा, 33 या फिर 40 के राउंड रख लीजिएगा। उसके बाद फिर से राइट साइड में नीचे डन वाले ऑप्शन से कर देंगे डन, और डन करने के बाद अभी क्या करना होगा, ऊपर में मिल जाता है एक क्रॉस तीर का ऑप्शन, तो यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो नीचे का छोड़ के यहाँ पे व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे आप लोग को कर देना होगा इस बार क्लिक। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद एक फाइल ओपन हो जाएगा जैसा कि ट्यून इमेज का, तो ट्यून इमेज वाले फाइल पे क्लिक करके और बीच में आप लोग को एडिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे कर देना होगा क्लिक। ठीक है, और यहाँ से इसको करेंगे हम एडजस्ट। ठीक है, तो वो कैसे करना है अभी आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो नीचे आप लोग को मिल जाएगा ट्यून इमेज 100, जैसा कि देख सकते हो 100 है, तो इसको पूरा 100 ही रखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो पूरा 100 कर लीजिएगा। उसके बाद अपने सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन को जूम करके, और स्किन को जूम करने के बाद इसको सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे, तो देख सकते हो यहाँ पे स्किन कितना अच्छा तरह से गोरा हो रहा है। ठीक है, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन पे करेंगे, कपड़ा या फिर बैकग्राउंड पे नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद आगे आप लोग को बताते हैं। सो फाइनली ये काम करने के बाद आप लोग देख ही सकते हो स्किन गोरा हो चुका है। उसके बाद डन करके एक बार कर देंगे हम यहाँ से बैक। ठीक है, ये रहा बैक का ऑप्शन, तो यहाँ से कर देंगे हम इसको बैक, तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से आप लोग को पेंसिल यानी टूल्स वाले ऑप्शन पे ही जाना होगा, तो यहाँ पे चले जाएंगे फिर से, और फिर से जाने के बाद अभी क्या करेंगे, यहाँ पे विनटेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और सबसे लास्ट में 12 नंबर यानी 12 नंबर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके ब्राइटनेस को हल्का डिक्रीज करेंगे, जैसे कि -30 के राउंड। उसके बाद सेचुरेशन को तो आप लोग को पूरा -100 ही कर देना होगा, ब्लैक एंड व्हाइट पूरा कर देंगे। उसके बाद स्टाइलिश स्ट्रेंथ को हल्का बढ़ा देंगे यहाँ पे +29 के राउंड। ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद विग्नेट को यहाँ पे रख देते हैं कुछ इस तरह से 34 के राउंड। ठीक है, इतना रख लेंगे। उसके बाद अभी क्या करना होगा, फिर से कर देना होगा डन, और इसको भी करना होगा एडजस्ट। तो अभी आप लोग फिर से ध्यान से देखते रहिए, फिर से जाएंगे क्रॉस तीर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे जाने के बाद फिर से चले जाएंगे हम व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। उसके बाद विंटेज वाला फाइल खोल के मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके और बीच में एडिट वाले ऑप्शन पे कर देंगे हम फिर से क्लिक। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद अभी आप लोग ये बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन्वर्ट का ऑप्शन है, तो इन्वर्ट वाले ऑप्शन पे हम कर देंगे इस बार क्लिक। ठीक है, क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद अभी क्या करेंगे, अपने फोटो को जूम कर लेंगे, और जूम करने के बाद क्या करेंगे, अभी आप लोग फिर से ध्यान से देखते रहिए, नीचे विनटेक का ऑप्शन 0 है, तो इसको 0 ही रखिएगा, और इसको क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन और बाल पे अप्लाई करेंगे, कपड़ा पे रहने दीजिएगा। और मान लीजिए कि गलत जगह यानी एक्स्ट्रा जगह पे चला जाता है, तो विंटेक को पूरा 100 करके, और जहाँ पे गलत हो गया रहेगा वहाँ पे फिर से अप्लाई कर देंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर से विंटेक को 0 कर लेंगे, और इसको एकदम आराम आराम से अपने बाल और अपने स्किन जो होगा सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन, कपड़ा और बैकग्राउंड पे इसको भी अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद आगे आप लोग को फिर से बताते हैं। और ये काम भी हो जाएगा, उसके बाद फिर से करके कर देंगे यहाँ से डन, और डन करने के बाद एक बार यहाँ से कर देंगे हम फिर से बैक। ठीक है, डन करके बैक कर देंगे, और इतना सारा काम हो चुका है। उसके बाद फिर से यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे ही जाएंगे, और जाने के बाद अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पे ओपन इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से क्या करेंगे, अभी हम बटरफ्लाई का PNG को एड करेंगे। ठीक है, जो कि ये फोटो का जान है बटरफ्लाई का PNG, तो सिंपली ये रहा PNG, और ये PNG चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर एडजस्ट लेंगे PNG को,
और बीच में आप लोग को स्टाइल वाले ऑप्शन पे कर देना होगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ से कर देंगे हम लाइटन। ठीक है, लाइटन कर देंगे तो ये पीएनजी जो होगा वो खिल जाएगा। उसके बाद डन कर देंगे, और डन करने के बाद अभी क्या करना है, फिर से पीएनजी क्रिएट करना है, फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाके फिर से डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ से फिर से ओपन इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हम क्या करेंगे, ये फायर यानी आग का चिंगारी वाला पीएनजी इसको ऐड कर देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से बीच में स्टाइल वाले ऑप्शन पर ही आप लोग को जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ से फिर से कर देंगे हम लाइटन। ठीक है, लाइटन कर देंगे, उसके बाद डन। और डन करने के बाद अभी इसको एडजस्ट करना होगा थोड़ा सा, तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे ये अंडो वाले ऑप्शन पे जाके और यहाँ पे जाएंगे व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे, और सबसे ऊपर में डबल एक्सपोजर वाला फाइल मिलेगा उस पर क्लिक करके बीच में एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से करेंगे अंडो वाले इनवर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक, और क्लिक करने के बाद अभी क्या करेंगे, ये जो चिंगारी फायर चिंगारी पीएनजी अगर फेस पे आ जाता है तो इसको फेस पे से हटा लेंगे और बॉडी पे से, और ध्यान रखिएगा नीचे डबल एक्सपोजर जीरो ही रहना चाहिए। ठीक है भाई, इतना सारा काम हो चुका है। उसके बाद फिर से इसको सेव करने के लिए कर देंगे डन, और डन करने के बाद एक बार यहाँ से हम कर देंगे फिर से बैक। ठीक है, इतना सारा काम हो चुका है। उसके बाद इसमें एक काम करना और बाकी है, जो कि फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाके और इस बार चले जाएंगे कोने में टिन इमेज वाले ऑप्शन है इस पे चले जाएंगे फिर से, और यहाँ पे जाने के बाद ऊपर फिंगर को घसकाइएगा और वर्म्थ वाला जो ऑप्शन मिलेगा सबसे लास्ट में इसको प्लस कर देंगे तो फोटो में येलो टोन यानी रेड टोन हल्का हल्का ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे 34 के राउंड, और इतना पे करने के बाद फिर से कर देंगे डन। और डन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फोटो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो बिफोर, और बिफोर के बाद आप लोग को दिखा दूँ आफ्टर, यहाँ पे फोटो में कितना ज़्यादा चेंजिंग आ चुका है और इस तरह का फोटो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। इस फोटो को सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फोटो बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव होके आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एडिटिंग समझ में आ गई होगी, और यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।